दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र दलाल, नरेंद्र फार्मिंग में आपका स्वागत है। आज भाई 29/9/2023 भिवानी सब्जी मंडी में सब्जी और कुछ फलों के भाव बतावाएं भाई। तो साथियों सबसे पहला शुरुआत करांगे भाई टमाटर तें भाई, उससे पहले बता दिया हाँ, देखो भाव घटते रहे हैं बढ़ते रहे हैं भाई, घंटा घंटे के भाव हैं, कोई फिक्स नहीं होता है भाई। और आज की में भी क्या है भाई, और थोड़ी देर पास कुछ बिकेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करांगे भाई टमाटर तें, टमाटर की कैरेट है छोटी 160 की और बड़ी है 400 रुपये की। घिया की बात करें तो घिया 12 रुपया तो लेगी और 13 रुपये किलो का बाजार चल रहा है घिया का। बैंगन की बात करें तो बैंगन 14 रुपया तो लेगी और 15 रुपये किलो बिकन लाग रहा है। भिंडी की बात करें तो भिंडी 25 रुपया तो लेगी और 26 रुपये किलो के बाजार हैं। तोरी की बात करें तो तोरी भाई जो दाल वाली तोरी है वो 27 रुपये किलो, जो भाई बिना दाल वाली तोरी हैं वो 18-20 रुपये किलो बेकन लाग रही है भाई। दाल वाली तोरी के हमेशा तेज भा रहे हैं भाई, क्योंकि वो साफ़ सुथरी और लंबी हो भाई। कोड़ा की बात करें तो कोड़ा 10 रुपया तो लेगी, 11 रुपये किलो बेकन लाग रहा है कोड़ा। फूट काकड़ी की बात करें तो फूट काकड़ी 15 रुपया तो लेगी और 16 रुपये किलो के बाजार चल रहे हैं। बंद गोभी की बात करें तो बंद गोभी 18 रुपये किलो बेकन लाग रही है। और फूल गोभी की बात करें तो फूल गोभी भाई 30 रुपया तो लेगी और 32 रुपये किलो के बाजार चल रहे हैं भाई। हरी मिर्च की बात करें तो हरी मिर्च 20 रुपया तो लेगी और 30 रुपये किलो का बाजार चले हरी मिर्च का। बालासुर हरी मिर्च है वो 38 रुपया तो लेगी और 40 रुपये किलो का बाजार चल रहा है। शिमला मिर्च की बात करें तो शिमला मिर्च 50 रुपये किलो बेकन लाग रही है। और करेला की बात करें तो करेला भाई 25 तले की और करेला के भाई 35 रुपये किलो के बाजार चल रहे हैं भाई करेला के। अरबी की बात करें अरबी 40 रुपये किलो बेकन लाग रही है अरबी। और आलू के बाजार वह चल रहे हैं भाई फिलहाल 12-13 रुपये किलो, जो पहाड़ी आलू है वो 22 रुपये किलो बेकन लाग रहा है। लहसुन की बात करें तो लहसुन 80 रुपया तो लेगी, 140 रुपये किलो के आसपास के बाजार चल रहे हैं। सिंघाड़ा 28 रुपया तो लेगी और 30 रुपये किलो के बाजार चल रहे हैं सिंघाड़े के। चप्पल कद्दू की बात करें चप्पल कद्दू 34 रुपया तो लेगी, 35 रुपये किलो बिकन लाग रहा है। और प्याज की बात करें तो प्याज 25 रुपया तो लेगी, 30 रुपये किलो का बाजार चल रहा है प्याज का भाई। प्याज के भाव भी उड़े रुक रहे हैं भाई। मूली की बात करें तो मूली 10 रुपया तो लेगी, 18 रुपये किलो। और नींबू की बात करें तो नींबू 25 रुपये किलो बिकन लाग रहा है नींबू। पालक 14 रुपये तो लेगी, 15 रुपये किलो के बाजार चल रहे हैं पालक के। धनिया की बात करें धनिया 120 रुपये किलो और पुदीना भी भाई 120 रुपये किलो बिकन लाग रहा है। मक्का की बात करें तो भाई मक्का 25 रुपया तो लेगी, 30 रुपये किलो के बाजार चल रहे हैं मक्का के भाई। और खीरे की बात करें तो खीरा भाई 35 रुपया तो लेगी, 40 रुपये किलो जो पुलिया उसका खीरा है। और जो अपना देसी खीरा है भाई वो 20 रुपया लेगी, 25 रुपये किलो के बाजार हैं। अदरक की बात करें तो अदरक 70 रुपया तो लेगी, 80 रुपये किलो बिकन लाग रही है। और ये थे कुछ भाई सब्जियाँ ही भाव, इब कुछ फलों के भाव बतावांगे भाई, जो भाई ये थोक के भाव हैं भाई। भाई किन्नू की बात करें तो किन्नू 10 रुपये किलो बेकन लाग रहा है। और माल्टा की बात करें तो माल्टा भाई 25 रुपये किलो के बाजार चल रहे हैं माल्टा के। और मौसमी की बात करें तो 600 रुपया तो लेगी, 800 रुपये कट्टा भाई मौसमी का, जिसमें 20 किलो मौसमी आवा है। और केला की बात करें तो केला भाई 680 तो लेगी, 700 रुपये कैरेट है केला की, जिसमें भाई 14-15 दर्जन केला आ गया है। पपीता की बात करें तो पपीता भाई 40 रुपये किलो का आसपास बेकन लाग रहा है। और सेब की बात करें सेब भाई 40 रुपया तो लेगी और 100 रुपये किलो का आसपास के बाज़ार चल रहे हैं भाई सेब के। डाब की बात करें तो डाब 1050 के आसपास का कट्टा है, जिसमें 20 पीस आवे हैं। और अनानास की बात करें तो भाई
58 रुपये यहाँ तले की 60 रुपये किलो के बाजार चल रहे हैं अनानास के। अमरूद की बात करा तो अमरूद 55-60 रुपये किलो बेचने लग रहा भाई। अमरूद का आखिरी टेम आ रहा है भाई, भाव में तेजी है अमरूद में। और अनार की बात करा तो भाई अनार 80 रुपये तले की और 150 रुपये किलो के बाजार हैं अनार के। तो साथियों भाई ये तो थे कुछ भाई सब्जी और फलों के भाव। तो साथियों भाई अपनी वीडियो कैसी लगी, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल ने सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन दबाना भाई। नमस्कार।